नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के एटा में सपा के नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के अवैध मार्केट पर गर्जा महाबली। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जोगेंद्र सिंह यादव की जीटी रोड पर मंडी के समय पर स्थित अवैध मार्केट पर महाबली आज फिर गरज रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा कुछ समय पूर्व में की गई कार्यवाही में जहां अवैध मार्केट की दो दुकानों को गिराया गया था, वहीं आज भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे जिला प्रशासन ने मार्केट को खाली कराकर तोड़वाना शुरू कर दिया। वो बता दें, बीते पखवाड़े में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव और उनके भाई पूर्व विधायक अलीगंज रामेश्वर सिंह यादव सहित कई सपा नेताओं पर लोगों की शिकायत पर कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में पिछले एक पखवाड़े में लगभग 5 मुकदमे इन नेताओं पर दर्ज किए गए हैं। तो वहीं जिला मुख्यालय के समीप मंडी समिति के पास स्थित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के अवैध मार्केट पर आज दूसरी बार महाबली गरज रहा है। संवाददाता हरिकेश बघेल की रिपोर्ट।